अस्सलाम वालेकुम यार, बात दरअसल ये है कि इटली का एक बहुत ही बड़ा जहाज आया हुआ है। मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं कि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये भी कहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जहाज है। ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जहाज नहीं है, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट शिप जरूर है जो कि शिप ब्रेकिंग यार्ड पे आया है। इससे 10 साल कबल जो है वो मलका बरतानिया का यहाँ पर जहाज आया था शिप ब्रेकिंग यार्ड पर स्क्रैप, और अब ये आया है। तो खास बात यह है कि इटली से आए हुए इस जहाज को स्क्रैप किया जा रहा है। इस दौरान में ये इत्तला भी थी कि वजीर आला सिंध जो है वो इसको जो है वो पोर्ट ग्रांड की तरफ पार्क करवा के इसको आवाम की तफरी के लिए खोलने वाले हैं, लेकिन अब वो सारे प्लान्स जो हैं वो मुझे लगता है फिर से हवा हो गए हैं दूसरे प्लान्स की तरह। तो अब ये स्क्रैप में ही जाने वाला है ये जहाज, लेकिन मैं जहाँ खड़ी हुई हूँ वो दूसरा प्लॉट है। यहाँ से हम जाने वाले हैं कश्ती में, कश्ती से जो है वो हम वहाँ उसके करीब जाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी शॉट्स, ड्रोन शॉट्स और जो है वो मैंने कौन से कैमरा से, ठीक है? तो चले मेरे साथ कश्ती में और हम बाकी का जो है वो आपको दिखाएंगे। चौदह सौ से ज़ायद कमरों पर मुश्तमिल, जिनमें 5-star होटल, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल्स और न जाने क्या क्या आसाइशें शामिल हैं, ये इटालियन क्रूज़ इस वक्त गर्डानी की जो शिप ब्रेकिंग यार्ड है वहाँ पर लंगरअंदाज है। सबसे ख़ास बात यह है कि इसके जो मालिक हैं उनका स्टेटमेंट ये था कि उन्होंने तो इसे टूरिज़म के लिए खोलने के लिए ख़रीदा था और वो चाहते थे कि ये जो है वो पोर्ट ग्रैंड पे खड़ा किया जाए और इसका होटल जो है वो बाकायदा इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने उनको जगह ही नहीं, और जिसके बाद जो है इस जहाज़ को मजबूरन उन्हें गडानी पे ही लंगरअंदाज करना पड़ा और उसके बाद जो है अब ये जहाज़ पूरा का पूरा स्क्रैप होगा। लेकिन उससे पहले कम से कम हम आपको, मतलब स्क्रैप होने से पहले कम से कम हम आपको इसके ड्रोन शॉट जरूर दिखा सकते हैं।
कश्ती में बैठ के गए थे और हमने जो है वो सब चीज़ें जो है वो हम आपको दिखाएँ, तमाम शॉर्ट्स उसके दिखाए जो कैमरे के थे वो भी और ड्रोन के थे वो, ठीक है। अब ये जो है वो इसके ऊपर जाना मना है, कुछ दिनों में कोशिश जारी हमारी, कुछ दिनों में हम ऊपर भी आके देख सकते हैं खास कर सके। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने इस व्लॉग में दे दी है और मैंने आपको शिपरेक यार्ड भी दिखाया है अपने इस व्लॉग में, उस जहाज के साथ दूसरे बड़े जहाज दिखाए हैं इस व्लॉग में। मैं चाहूँगी यहाँ से ज़्यादा। अल्लाह हाफ़िज़।